नमस्कार दोस्तों, नीलू हिंदी कहानियां में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक बेईमान आदमी। यह कहानी है एक बेईमान आदमी की। एक आदमी था जो कि बहुत बेईमानी से पैसे कमाता था दूसरों का हक मारकर। एक दिन उसने एक गरीब आदमी का पॉकेट मार लिया और फिर अपने घर चला गया। कहते हैं कि जो गरीब आदमी की बद्दुआ होती है वो बड़ा असर करती है। पॉकेट मारने वाला बेईमान आदमी अब घर गया। घर में जाने के बाद उसने पैसे निकाले और किसी होटल को खाने के लिए निकल गया। अब होटल में उसने खाना खा लिया, फिर घर आ गया। दो दिन के बाद उसे गरीब की जो बद्दुआ थी उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। दो दिन के बाद उस इंसान के पेट में दर्द शुरू होने लगा। उस आदमी ने सोचा यह ऐसे ही कोई दर्द है जो थोड़ी देर के बाद अपने आप ही चला जाएगा। लेकिन उसका उल्टा ही हुआ। यह जो दर्द था वह और ज्यादा बढ़ गया। फिर उसने पास के एक अस्पताल में गया, एक डॉक्टर के पास गया और फिर उसने डॉक्टर को अपनी सारी बात बताई कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और यह लगभग 3-4 दिन से हो रहा है। डॉक्टर ने जांच करने के बाद, चेक करने के बाद उसको यह बताया कि यह कोई साधारण दर्द नहीं है, इसके लिए आपको एक एक्सरे निकालना पड़ेगा, आप जाइए एक्सरे निकाल कर लाइए। फिर वो आदमी भागते हुए गया अपना सर रिपोर्ट निकालने। जब वह एक्सरे रिपोर्ट लेकर आया और अपने डॉक्टर को एक्सरे रिपोर्ट दिखाया तो सारे डॉक्टर बिल्कुल हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि उस आदमी की पेट में एक जिंदा कॉकरोच फंस गया था। जब यह बात उस आदमी को बताई गई तो आदमी बड़ा परेशान हुआ। उसने डॉक्टर से पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए और इसका इलाज कैसे होगा। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और यह ऑपरेशन यहाँ नहीं होता, आपको अमेरिका की एक बड़े अस्पताल में जाना पड़ेगा। वहाँ पर जो अच्छे अच्छे और बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, वह इस ऑपरेशन को अंजाम देंगे और वह इस बीमारी का इलाज करेंगे। आपके पेट में जो कॉकरोच फंसा हुआ है जिंदा, वह वहाँ पर निकल जाएगा, मरता क्या ना करता। फिर वह आदमी अमेरिका जाता है और वहाँ के बड़े अस्पताल में जाता है और अपना एक्सरे रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाता है जो उसने यहाँ पर निकाल ली थी। डॉक्टर उसकी रिपोर्ट देखकर कहता है कि बड़ा ऑपरेशन होगा तो बड़ा खर्चा भी आएगा। यह सुनकर वह आदमी सोच में पड़ जाता है, फिर अपने घर जाता है। थोड़े दिन के बाद वह सारे ऑपरेशन के पैसे जमा करता है। फिर जब हॉस्पिटल आता है तो सारे पैसे ऑपरेशन के लिए जमा कर देता है। फिर उस आदमी को ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन रूम में लिया जाता है। ऑपरेशन शुरू हो जाता है। ऑपरेशन के बीच में डॉक्टर सारे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर को जो जिंदा कॉकरोच एक्सरे में दिखाई दे रहा था वह उसके पेट में और अंतरियों में कहीं पर भी नहीं मिला। ऑपरेशन खत्म होने के बाद जब यह बात उसे आदमी को बताई जाती है, वह आदमी और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि एकरे में तो कॉकरोच था। फिर उस आदमी से डॉक्टर कहते हैं कि जाओ फिर एक नया एक्सरे रिपोर्ट निकाल कर लाओ। फिर जब वह जाता है और नया सराय निकलता है तो उस एक्सरे रिपोर्ट में कोई भी कॉकरोच नहीं रहता और डॉक्टर को भी ऑपरेशन के दौरान कोई कॉकरोच नहीं मिला था। और यह लाइन जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, यह लाइन सुनकर शायद आप हंसने लगोगे। सारे डॉक्टरों को और उस आदमी को जो बेईमान आदमी था, उनको बाद में पता चलता है कि यह जो जिंदा कॉकरोच था यह उसकी पेट में नहीं बल्कि जो उसने पहले एक्सरे निकला था उस एक्सरे मशीन में फंसा हुआ था। शायद आपको यह कहानी थोड़ी फनी लगेगी और शायद आपको हंसी भी आ रही होगी, लेकिन इस कारण से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। बेईमानी का जो पैसा होता है, जो हम किसी का हक मारते हैं और हक मारे हुए पैसे से हम खाते हैं, वह हमेशा फिजूल खर्च होता है। आपने देखा होगा अपने आसपास की कोई कितना भी बेईमानी से पैसा कमा ले, वह पैसा कभी भी कोई अच्छी चीज में काम नहीं आएगा बल्कि हमेशा फिजूल चीज में काम आएगा। इधर आप किसी का एक रुपया हक मारोगे, उधर आपका 10 रुपए भरना पड़ेगा। इधर आप किसी का 10 रुपए हक मारोगे, उधर आपको 100 रुपए भरना पड़ेगा।
तो जिंदगी में हमें कभी भी बेईमानी से पैसा कमाना नहीं चाहिए, किसी का हक मार के पैसा नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि हम इधर तो थोड़ा लेंगे पर उधर बहुत ज्यादा चुकाना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।